हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ वोकैबलरी। तो धीरे धीरे हम वोकैबलरी बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि लगोगे एक साल के बाद, ऐसे ही वोकैबलरी बढ़ाते बढ़ाते हमारे पास 4000 वर्ड्स की वोकैबलरी हो जाएगी। वी विल बी हैविंग अ वोकैबलरी ऑफ 4000 वर्ड्स आफ्टर 1 ईयर। लेकिन वो होगी कब? जब आप कंटिन्यूसली मेरे साथ में बने रहोगे, ठीक है। एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले वर्ड से, एट पार। पार का मतलब होता है इक्वल। इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। घरों में हम सब आरओ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आरओ का जो फिल्टर का बेसिक काम होता है कि जो वाटर में TDS होते हैं, टोटल डिसॉल्व सॉल्वेंट, उनको कम करना। तो मान लो हमने दो घरों से आरओ के सैंपल लिए, ठीक है, और उनका TDS किया। तो एक में TDS आ रहा था 210 और दूसरे में आ रहा था TDS, दो नंबर में आ रहा था 211। तो ये TDS लगभग सेम था, तो हम क्या बोलेंगे? द रिजल्ट ऑफ बोथ द सैंपल्स, द रिजल्ट ऑफ बोथ द सैंपल्स आर एट पार। दोनों के जो दोनों सैंपल के रिजल्ट हैं वो बराबर हैं, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ बोथ सैंपल्स आर एट पार, ठीक है। तो जब समानता को दिखाना होता है या दोनों चीज़ों को बराबर में दिखाना होता है, ठीक है, जो मेजर्ड वैल्यूज होती हैं, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं? एट पार। पैरिटी, अगेन पैरिटी आया पार से, जो इक्वल होता है इसका मतलब। पैरिटी मतलब समानता, पैरिटी मतलब समानता। डिसपैरिटी, डिस नेगेटिव है, प्रीफिक्स नेगेटिव प्रीफिक्स, ठीक है, ये ना होने के लिए होता है। पैरिटी इक्वालिटी, ठीक है। तो डिस्पैरिटी क्या हुआ? असमानता। दे हैव डिस्पैरिटी इन देयर थॉट्स, उनके विचारों में क्या है? असमानता। दे हैव disparity in their thoughts. Again, nominal. कई बार सुना होगा, बड़ा ही जी nominal amount है, खरीद लेते हैं उसको। कोई चीज़ खरीदनी होती है तो दुकानदार भी बोलता है कि ग्राहक को क्या बोलता है, ये तो बड़ा nominal rate पे है, इसको तो आसानी से खरीद सकते हो आप, ठीक है। तो nominal में जो ये वर्ड आया किसे? नोमेन से, ग्रीक नोमेन। क्या मतलब होता है इसका? नेम, मतलब नॉमिनल मतलब नाम मात्र, नॉमिनल मतलब नाम मात्र। यू हैव टू पे ओनली अ नॉमिनल अमाउंट फॉर दिस, मतलब आपको इसके लिए एक नाम मात्र रकम देनी पड़ेगी, ठीक है। पैंडेमिक, पैंडेमिक के नाम से सबके रोंगटे खड़े रहते हैं आजकल, जब से कोरोना वायरस आया है। तो कोरोना वायरस इज ए पैंडेमिक डिसीज, कोरोना वायरस इज ए पैंडेमिक डिसीज। तो पैंडेमिक होता क्या है? पैन का मतलब होता है ऑल, पैन का क्या मतलब होता है? पैन का मतलब होता है ऑल। और डेमोस, डेमिक डेमोस से सवाल होता है पीपल, मतलब सारे अगर आदमियों में कोई चीज़ फैल जाए, जैसे सारे विश्व में फैल गई कोरोना, तो कोरोना को क्या बोलेंगे? पैंडेमिक डिसीज, पैंडेमिक, एपिडेमिक, पैंडेमिक, ये सारे
महामारी के लिए यूज़ होती है, ठीक है। लेकिन पेंडेमिक वो है महामारी जो सारी कंट्रीज में फैल जाती है, एपिडेमिक वो महामारी है जो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या रीजन तक या कोई पॉपुलेशन पर्टिकुलर तक सीमित रहती है, ठीक है। जैसे मान लो कोई एक बीमारी इंडिया से शुरू हुई या इंडिया में बंदों को हुई और वो इंडिया में ही रहेगी तो वो एपिडेमिक होगी, या मान लो कोई दिल्ली में बीमारी हुई और दिल्ली के बंदों में रहेगी तो क्या बोलोगे, एपिडेमिक। लेकिन मान लो इंडिया से कोई बीमारी स्टार्ट हुई और वो सारे कंट्रीज में फैल गई, पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज में, तो उसको क्या बोलते हैं फिर, पैंडेमिक। जैसे चाइना से कोरोना वायरस फैला है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, पैंडेमिक। पैनेशिया, अगेन पैन ऑल, एशिया है कोस से, एशिया किससे आया है, एकोस से। तो क्या मतलब होना चाहिए इसका, पैन एशिया का, बताएगा कोई? पैन एशिया का मतलब होता है रामबाण, मतलब सारी बीमारियों का इलाज। पैन एशिया का मतलब क्या होता है, रामबाण। तो जब भी पेनेशिया वर्ड आएगा उसका मतलब होगा रामबाण। आगे है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म तो नेपोटिज्म जो ये है इसमें ग्रीक नेपो टर्म से आया है, जिसका मतलब होता है नेफ्यू, मतलब होता है नेफ्यू। तो नेपोटिज्म होता है भाई भतीजावाद। क्या होता है, भाई भतीजावाद। जैसे अभी सुशांत राजपूत के केस में रिसेंटली बॉलीवुड में नेपोटिज्म का बात चली थी कि मतलब बॉलीवुड वाले जो हैं वो अपने जो उनके फैमिली या उनके जो रिश्तेदार होते हैं उन्हीं को ही टिकने देते हैं बॉलीवुड में, बाकी किसी को टिकने नहीं देते। तो जिस चीज़ से परेशान होकर सुशांत राजपूत ने साइड कर लिया, तो बॉलीवुड में क्या चलता है, नेपोटिज्म। ये उस जब जो उसका सुसाइड केस हुआ था तो उस टाइम काफ़ी चर्चा में था ये नेपोटिज्म इन बॉलीवुड। अगला वर्ड है लेबिटी। लेबिटी आया है लेविस से, लेविस का मतलब होता है लाइट, लाइटनेस, हल्कापन, हल्कापन या नॉन सीरियसनेस, ओछापन, सबको क्या बोलते हैं, लेविटी। क्या बोलते हैं, लेविटी। आगे वर्ड है लेगेसी। लेगेसी का मतलब होता है विरासत। क्या मतलब होता है, विरासत, बोलते हैं ना इसको, विरासत में मिला है। ही हैज गॉट ऑनेस्टी एज लेगेसी, उसको ईमानदारी विरासत में मिली है। तो लेगेसी क्या होता है, विरासत। तो समझ आ गया आपको? तो कुछ और वर्ड्स करें, कुछ और वर्ड्स लेते हैं। जैसे कॉन्शियस, सुना होगा आपने कॉन्शियस, ठीक है। कॉन्शियस, कॉन्शियस क्या होता है, कॉन्शियस है विद, कौन से आया है, थैंक यू।